हमारे काल्पनिक सफर में हमने कई संभावनाओं पर चर्चा की है, जैसे चपटी, क्यूबिकल, यहां तक कि खोखली धरती तक। तो क्या कहते हैं, हमें धरती के बीचों बीच एक बड़े होल के साथ भी रह पाने पर बात कर लेनी चाहिए या नहीं? क्या ऐसा कोई ग्रह रहने लायक भी होगा? क्या तब भी चांद होगा? ग्रेविटी कैसे काम करेगी और ऐसी धरती पर रहकर इसे देखना कैसा लगेगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर धरती एक डोनट के आकार की हो। ग्रहों की भाषा में बात करें तो साइज मायने रखता है और शेप भी। गणित के जानकार इसे एक टोरॉइडल दुनिया या एक टोरस ग्रह कहेंगे। हमारे लिए ये एक मीठी फ्राइड रिंग के आकार की पेस्ट्री जैसा है। आप इसे जो चाहे कहें, थियोरी के मुताबिक ये नामुमकिन नहीं है। ग्रह नेचुरली ये आकार नहीं लेते, लेकिन फिजिक्स के नियम कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। बस ये वो धरती नहीं होगी जिसे आप जानते हैं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक डोनट के आकार की धरती में रहने से कोई मरेगा नहीं, बशर्ते इसका आकार किसी हुला हूप जैसा हो। धरती के ठोस हिस्से से कहीं बड़ा केंद्र होने से कई तरह की अस्थिर स्थितियां पैदा होंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भयानक स्थिति। तो अभी के लिए केवल ऐसे ग्रह की बात करते हैं जो कि एक आम डोनट के जैसा हो और काफी हद तक हमारी धरती को दर्शाता हो। डोनट के आकार की यह धरती सूरज से लगभग कुछ उसी दूरी पर होगी जितनी अभी है, और इसका एक्सियल टिल्ट भी वैसा ही होगा। यहां तक कि इसके ज्यादातर हिस्से के लिए एस्केप वेलोसिटी भी 11.4 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होगी। डोनट के इक्वेटर पर एस्केप वेलोसिटी सिर्फ 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। तो अगर आपको स्पेस में रॉकेट भेजने हो, ये जगह उस रॉकेट को डोनट जैसी धरती की ग्रेविटी से आजाद करने के लिए सबसे अच्छी होगी। ग्रेविटी की बात करें तो इस टोरस धरती पर आप कहां हैं उसके मुताबिक आपका वजन आपके असल वजन से 3 गुना तक कम होगा। अगर हमारी गोल धरती की सरफेस ग्रेविटी 1g है, तो डोनट के आकार वाली धरती की ग्रेविटी पोल्स के पास 0.65g होगी और इक्वेटर पर यह ग्रेविटी केवल 0.3g होगी। ऐसा लगेगा जैसे आप मंगल की सतह पर चल रहे हो। हालांकि डोनट के आकार वाली धरती की ग्रेविटी उतनी नहीं होगी जितनी कि आपको आदत है, पर फिर भी इसकी कोशिश लगातार हमारे ग्रह को अपने आप में गिराने की होगी। गोलाकार धरती बनने की कोशिश में इस डोनट जैसी धरती को हमारी गोल धरती के मुकाबले ज्यादा तेज घूमना होगा। इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होगा और डोनट के होल को संभाले रखेगा। लेकिन इस तरह तेज घूमने की वजह से धरती पर एक दिन केवल 2 घंटे और 50 मिनट का होगा। या अगर आप 24 घंटों पर ही बने रहना चाहते हैं तो आपको दिन में करीब 8 बार सूरज को उगते और ढलते देखना होगा। आपको दिन और रात दोनों में काम करने की और दिन में रोशनी में सोने की आदत डालनी होगी। लेकिन ये जानवरों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनका प्रजनन, एक से दूसरी जगह जाना और शिकार करना सब चांद और सूरज की साइकिल के हिसाब से ढला होता है। ओह, वैसे चांद का क्या होगा? खैर, अच्छी खबर यह है कि चांद तब भी रहेगा। ऐसी काफी संभावना है कि यह होल की तरफ खींच रहा होगा और ग्रह के ऊपर नीचे होता रहेगा, या फिर इस पर डोनट के बाहरी हिस्सों की ग्रेविटी का भी असर हो सकता है, जिससे ये 8 के आकार की ऑर्बिट में धरती के चक्कर काटेगा। बुरी खबर यह है कि ये दोनों ही ऑर्बिट धरती पर होने वाले ज्वारों पर असर डालेंगे और बर्बादी का सबब बनेंगे। समुद्र के पानी का स्तर इतना अस्थिर हो सकता है कि शायद तट पर कोई शहर हो ही ना। एक डोनट जैसी धरती पर जलवायु यानी क्लाइमेट हमारी मौजूदा धरती के जलवायु जैसा ही होगा। पोल के पास वाले हिस्से ठंडे होंगे और इक्वेटर के पास वाले गर्म, लेकिन मौसम इससे कहीं ज्यादा सख्त होगा। कुछ हिस्से तो तूफानों और हरिकेन के चलते रहने लायक भी नहीं होंगे। ये कह पाना तो मुश्किल है कि ऐसा होने पर कौन सा देश कहां होगा, लेकिन जहां तक टोपोग्राफी की बात है,
कह सकते हैं कि डोनट का होल पहाड़ों से सटा होगा और ये पहाड़ हमारी गोल धरती पर मौजूद किसी भी पहाड़ से ज्यादा विशाल होंगे। अगर आप इस डोनट जैसी धरती के अंदरी हिस्से में रहना चाहते हैं तो आप इस नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं। क्या हो अगर के कुछ हालातों से अलग, यहां हम सब के खत्म होने की बात नहीं कर रहे। डोनट जैसी धरती पर रहने वाले इंसान शायद कभी भी समुद्र को पार ना कर पाए, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट पर विकसित होंगे, लेकिन कम से कम एक साथ कई लोग मरेंगे नहीं और ऐसे इलाके में नहीं होंगे जहां हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो। डोनट जैसी धरती पर रहने वालों के पास शायद उसी तरह की तकनीकें हों जैसी आज हमारे पास हैं। शायद वो शुरुआत में डोनट जैसी धरती का कॉन्सेप्ट समझने में चूक जाएं, या शायद वो भी वीडियो बना रहे हों क्या हो अगर धरती एक गेंद के आकार की हो। और हो सकता है इसके डोनट जैसे आकार की वजह से धरती के इतिहास की कुछ आपदाएं ना हुई होती। लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।